खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक 3 दिसंबर शुक्रवार को बिंदनगर स्थित होटल नीलम पैलेस में संपन्न हुई और कार्य समिति की बैठक को मुख्य अतिथि सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैस रहे और बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने की। जिला मीडिया प्रभारी योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक की औपचारिकता शुरुआत श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ हुआ और वहीं अपने स्वागत उद्बोधन में जिला अध्यक्ष ने उपस्थित समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। कोविड काल में टीकाकरण अभियान पर प्रेषक के रूप में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को साधुवाद देते हुए उनकी उपलब्धियों पर प्रशंसा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आज हमारे सिंगरौली जिले में 7,80,000 से अधिक लोगों को टीके की प्रथम डोज की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 55% से अधिक लोगों को दूसरी डोज की वैक्सीन लग चुकी है, जिससे हमारा जिला टीकाकरण में प्रदेश में 5वें पायदान पर आ गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा सभी नव नियुक्त मोर्चा के अध्यक्षों का माल्यार्पण कर और मंचासीन कर अभिवादन प्रस्तुत किया गया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।